तो कल विशेषण देकर बता दिए थे अनुभवत्वावच्छिन्न कहने से दंड ज्ञानत्वावच्छिन्न दंड ज्ञान रूपी कारण से विशिष्ट दंडी पुरुष प्रत्यक्ष में जो अतिव्याप्ति था वो निवृत्त हो जाता है। तब कहते हैं कि जी यदि ऐसा है तो लक्षण में पहले आपने स्मृति हेतु शब्द क्यों दिया था, अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति निवारण करने, क्योंकि अनुभव जन्यम स्मृति मैंने भावना, यदि ऐसा लक्षण करते हैं अनुभव जन्य है भावना, इतना ही लक्षण करेंगे तो अनुभव जन्य कौन है, अनुभव ध्वंस, उसमें अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए स्मृति हेतु आपने शब्द दी थी, अब वो अपने आप निवृत्त हो गया, क्योंकि अनुभवत्वावच्छिन्न अनुभव कहने से तो अनुभवत्वावच्छिन्न अनुभव जन्य अनुभव ध्वंस नहीं है। अनुभव ध्वंस के प्रति अनुभव जो कारण है वो प्रतियोगित्व न कारण है, अनुभवत्व नहीं है। प्रतियोगित्वावच्छिन्न जो अनुभव है वो अनुभव ध्वंस के प्रति कारण है। ध्यान में रहना, अलग अलग चीज समझना, अवच्छेद वेच्छेद का कारण कितना फर्क पड़ रहा है। दंड ज्ञानत्वावच्छिन्न जो अनुभव है वो दंडी पुरुष अनुभव के प्रति कारण है, ठीक। अनुभवत्वावच्छिन्न जो है यदि हम लेते हैं तो वो भावना के प्रति है, इसको ज्ञानत्वावच्छिन्न कर दो, दंडी पुरुष के प्रति कारण, और प्रतियोगित्वावच्छिन्न ये जो है ध्वंस के प्रति, किसका अनुभव, सर्वत्र किस चीज का विशेषण है, अनुभव का विशेषण है। तीनों दंडी ज्ञानत्वावच्छिन्न जो अनुभव है वह दंडी पुरुष के प्रति कारण है, अनुभवत्वावच्छिन्न अनुभव जो है भावना के प्रति कारण है, प्रतियोगित्वावच्छिन्न अनुभव जो है अनुभव ध्वंस के प्रति कारण है। अतः इसी विशेषण से पहले अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए जो स्मृति से हेतु शब्द दिया था अब जरूरत नहीं है, इसके लिए आपने ये शब्द दिया था क्या स्मृति हेतु शब्द, ध्वंस में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए स्मृति हेतु शब्द आपने जो दे दिया वो जरूरत नहीं रहा, क्योंकि अनुभवत्वावच्छिन्न अनुभव को हम भावना के प्रति कारण करने कहने से वह अतिव्याप्ति होगा ही नहीं अनुभव ध्वंस में, क्योंकि अनुभव ध्वंस के प्रति अनुभव जो कारण है वो प्रतियोगित्व न कारण है न कि अनुभवत्व न, इसलिए इस विशेषण के द्वारा इसमें भी अतिव्याप्ति निवारण हो गया, इसमें भी अतिव्याप्ति निवारण हो गया, ध्वंस में अनुभव ध्वंस में भी अतिव्याप्ति निवारण हो रहा है, दंडी पुरुष इत्यादि प्रत्यक्ष में जो अतिव्याप्ति था वो भी निवारण एक विशेषण से ही हो सकता है। तो यह विशेषण जो विशेषण जो था लक्षण में पहले इसकी कोई जरूरत नहीं रहा, ये पूर्व पक्ष कहेगा। ये दूसरा भाग आश्रय हो रहा है, ननु एवं स्मृति हेतुत्व विशेषण वैयर्थ्यम, यह स्मृति हेतुत्व रूपा विशेषण था वो व्यर्थ हो जाएगा, यदि आप दंडी पुरुष प्रत्यक्ष में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए अनुभवत्वावच्छिन्न विशेषण दे देते हो, अनुभव में कारणतावच्छेदक को अनुभवत्व ग्रहण करते हो तो दंड ज्ञानत्वावच्छिन्न जो कारणता थी अनुभव में दंडी पुरुष के प्रति उसमें अतिव्याप्ति निवारण स्वतः हो गया, जैसे वैसे अनुभव ध्वंस के प्रति जो अनुभव में कारणता थी वह प्रतियोगित्वावच्छिन्न कारणता होने से अनुभवत्वावच्छिन्न कारणता नहीं है, अतः अनुभव ध्वंस में भी अतिव्याप्ति इसी से निवृत्त जब हो सकता है तो स्मृति हेतु में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए जब शब्द दिया अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति निवारण करने स्मृति हेतु शब्द जो दिया है वो व्यर्थ है, स्मृति हेतुत्व विशेषण वैयर्थ्यम, क्यों तद्धी अनुभव ध्वंस अतिव्याप्ति वारणाय प्रागुपात्तम, यहां एक पंक्ति कुछ पुस्तकों में नहीं है लिख लेना जिनकी यहां नहीं है, क्या पाठ है, तद्धी अनुभव ध्वंस अतिव्याप्ति है ना वारणाय प्रागुपात्तम, जिनके पुस्तक में नहीं वो लिख लें, वह पहले आपने अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए ही स्मृति हेतु यह विशेषण आपने ग्रहण किया था, अब उसकी जरूरत नहीं रहा, नहीं यथोक्तानुभवजन्य विवक्षायाम
अनुभव ध्वंस की व्याप्ति से आप, क्योंकि यथोक्त अनुभव जन्य तुमने अनुभवत्वावच्छिन्न अनुभव जन्यत्व को, अनुभवत्वावच्छिन्न अनुभव जन्य अनुभव निष्ठा कारणता निरूपता कार्यता आप भावना में स्वीकार कर लेते हो तो अतिव्याप्ति न प्रसज्यते। एवं सति अनुभव से अतिव्याप्ति अतिव्याप्ति वारणय प्रागुपातम, क्योंकि नहीं यथोक्त अनुभव जन्य विवक्षायाम अनुभव ध्वंस अतिव्याप्ति ही, अनुभव यथोक्त मैंने अनुभवत्वावच्छिन्न अनुभव जो अभी लेटेस्ट जो बोला हुआ है, अनुभवत्वावच्छिन्न अनुभव निष्ठ कारणता निरूपित कार्यता कहां भावना में यदि आप मान लेते हैं उतने से ही अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति निवृत्त हो जाएगा। कैसे समझा रहे, तथा ही ध्वंसत्व छिन्न प्रति प्रतियोगिन कारणत्म प्रतियोगित्वेन रूपेण, कि ध्वंसत्तावच्छिन्न ध्वंस रूपी कार्य के प्रति कारण जो प्रतियोगी कैसे होता है, प्रतियोगित्वेन कारण होता है प्रतियोगी। जैसे घट ध्वंस के प्रति जो घट कारण है घटत्वेन घट कारण नहीं है, क्योंकि घट ध्वंस किसका हो रहा है, एक घट का ध्वंस हो रहा है। जो एक घट का ध्वंस हो रहा है उसका प्रतियोगी वो एक घट ही है कि सारे दुनिया भर का घट, जो घट ध्वंस हो रहा है वही घट उस घट ध्वंस के प्रति कारण होगा, दुनिया भर का घट तो नहीं है ना, इसीलिए अवच्छेद क्या होगा प्रतियोगी का। फिर यदि आप घटत्व ले लोगे घटत्तावच्छिन्न घट घन से क्या हो जाएगा, सकल घट आएगा संसार का, और सकल घट घट ध्वंस का प्रतियोगी नहीं है। इसलिए जब भी मैं कहता हूं जब घट ध्वंस का प्रतियोगी घट है उसका अवच्छेद क्या होगा, प्रतियोगित्व अवच्छेद लेना घटत्व अवच्छेद नहीं लेना, ये ध्यान रखना है हमेशा। पट ध्वंस हुआ उसका प्रतियोगी कौन है, पट, प्रतियोगिता अवच्छेद कौन है, प्रतियोगित्व। उस पट में उस पट ध्वंस के प्रति एक प्रतियोगिता नाम का धर्म माना जाएगा, कि ये पट ध्वंस का प्रतियोगी कौन है, पट, उस पट में रहेगी प्रतियोगिता, उस प्रतियोगिता अवच्छेद प्रतियोगित्व होगा। तो प्रतियोगिता अवच्छिन्न प्रतियोगिता जो पट है वही पट ध्वंस के प्रति कारण होगा, न कि पटत्वावच्छिन्न पट वो कारण नहीं है पट ध्वंस के प्रति, क्योंकि दुनिया भर के सारे कपड़े थोड़े चल के राख हो रहे हैं, यानी इसलिए ध्वंस के एक सामान्य नियम है कोई भी उसका प्रतियोगी हो गए लेकिन उसका अवच्छेद सदा प्रतियोगित्व ही होगा, तत्त्व वस्तु का धर्म नहीं लेना। अतएव अनुभव ध्वंस के प्रति जो अनुभव प्रतियोगी हो रहा है उसका अवच्छेद क्या होगा, प्रतियोगित्व होगा न कि अनुभवत्व। इसलिए प्रतियोगिता अवच्छिन्न अनुभव अनुभव ध्वंस के प्रति कारण होगा, इसी के एक ही अनुभव है कारण हो रहा है लेकिन अलग अलग वस्तु के प्रति अलग अलग अवच्छेद कारण बन रहा है। दंडी पुरुष त्याग प्रत्यक्ष अनुभव के प्रति जो दंड ज्ञानत्वावच्छिन्न दंड ज्ञान अनुभव है वो कारण है, भावना के प्रति अनुभवत्वावच्छिन्न अनुभव कारण है, ध्वंस के प्रति प्रतियोगितावच्छिन्न अनुभव कारण हो रहा है। इसलिए कहते देखिए तथा इसे समझा रहे हैं ध्वंसत्ता छिन्न प्रति प्रतियोगिना कारणत्वम प्रतियोगित्वेन रूपेण, जो भी प्रतियोगी कारण होगा उसका अवच्छेद होगा प्रतियोगित्व रूप से ही हमेशा वो कारण बनेगा। अतः तत्त्व ध्वंसत्ता छिन्न प्रति च तत्त्व प्रतियोगी व्यक्ति है तत्त्व व्यक्तित्वेन इत्येव, इसलिए क्या होगा तत्त्व जो ध्वंसात्व घट ध्वंस पड़ ध्वंस तत्त्व ध्वंस जिस घट का ध्वंस हो रहा है उस घट एक घट का ध्वंस हुआ तो उस एक घट ध्वंस के प्रति उस एक घट में निष्ठ जो प्रतियोगित्व है वही कारण होगा। इसलिए कहते हैं तत्त्व ध्वंसत्व छिन्न प्रति च तत्त्व प्रतियोगी व्यक्ति कारण बन रहा है और तत्त्व प्रतियोगी व्यक्ति में तत्त्व व्यक्तित्व में ही वही कारण बनेगा। तो क्या कह सकते हैं आप, एतद् घटनिष्ठ प्रतियोगित्व लेना, प्रतियोगिता छिन्न कहूंगा ना, जिस अनुभव का ध्वंस हुआ जिस अनुभव का ध्वंस हुआ उस अनुभव व्यक्ति को लेना, अर्थात एतद अनुभव विशेषण देते एतद माने यह अनुभव जिसका ध्वंस हुआ है उस अनुभव में रहने वाला प्रतियोगितावच्छिन्न एतद अनुभव निष्ठ प्रतियोगितावच्छिन्न एतद अनुभव का अनुभव ही अनुभव ध्वंस के प्रति कारण है।
इसलिए एतद् घटनिष्ठ प्रतिवित्तावच्छिन्न जो एतद् घट है वही एतद् घट ध्वंस के प्रति कारण होगा। ऐसे प्रत्येक को व्यक्ति विशेष रूप में नहीं लेना पड़ेगा कार्य कारण भाव। सामान्य जाति को लेकर कहोगे तो सारा का सारा संसार का वस्तु क्या हो जाएगा, ध्वंस के प्रति कारण हो जाएगा। लेकिन ध्वंस सकल पदार्थ का हो नहीं रहा है, सकल घट का नहीं है, सकल पट का नहीं है, यत किंचित घट यत किंचित पट का हो रहा है। इसलिए तत्त्व व्यक्ति विशेषत्व नहीं हमें लेना पड़ेगा। जैसे कौन मर गया पूछा, अरे रामलाल नाम का आदमी मर गया। अरे रामलाल नाम का व्यक्ति तो सैकड़ों हैं, क्या दुनिया भर के सब रामलाल मर गए? आपको कहना नहीं, नहीं, नहीं। वो जो श्यामलाल का बेटा रामलाल वो मरा, श्यामलाल पुत्रत्वावच्छिन्न करना पड़ा उस रामलाल को, और बाकी रामलाल तो कोई और पुत्रत्वावच्छिन्न है ना, है? वो भी श्यामलाल का बेटा हो सकता है, तो दादा का नाम लो, फिर गोत्र बदलो, कि कहीं है ना गहराई में जाना पड़ता अतिव्याप्ति होते रहेगा तो। जब तक अतिव्याप्ति पूर्णतया निवृत्त नहीं होता है तब तक विशेषणों को देना पड़ेगा। इसे तत्त्व व्यक्ति विशेष में ही हमें प्रतिविधा उच्छेदक लेना ज्यादा सरल होता है। एक तत्त्व व्यक्तित्व नैव इत्येवं ध्वंस प्रतियोगिनः कार्यकारण भावः। इसी प्रकार हमेशा ध्वंस और प्रतियोगी के बीच में कार्यकारण भाव का निश्चय होता है। तथा च ध्वंस निष्ठ कार्यता निरूपिता या अनुभव निष्ठा कारणता। इसलिए सामान्यम क्या बन रहा है, ध्वंस निष्ठ जो कार्यता है, कौन सा ध्वंस, अनुभव ध्वंस लेना यहाँ पर, अनुभव ध्वंस निष्ठा या कार्यता वह उससे निरूपिता या अनुभव निष्ठा कारणता, जो अनुभव निष्ठा कारणता है वह केन धर्मावच्छिन्न है, तस्याम प्रतियोगित्व अवच्छेदकम। क्या लूंगा, या तो केवल प्रतियोगित्व को अवच्छेद कर दूंगा अथवा तत्त्व व्यक्तित्व च, तत्त्व जो अनुभव, जिस अनुभव का ध्वंस हुआ उसी अनुभव को लेना, तत्त्व व्यक्तित्व ले लो अथवा प्रतियोगित्व को ले लो, न तो अनुभवत्वम अपि, है ना। अनुभव ध्वंस का कारण अनुभव जो का अवच्छेद अनुभवत्व कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अनुभवता जो सकल अनुभव का ध्वंस नहीं हो रहा है। यदि सकल अनुभव का ध्वंस होगा तो आगे अनुभव ही नहीं होगा, लेकिन आगे भी अनुभव हो रहे हैं। इसलिए अनुभवत्वावच्छिन्न अनुभव अनुभव ध्वंस के प्रति कभी कारण होता ही नहीं। जब तक जिंदा है तब तक अनुभव होते रहेगा, कुछ ना कुछ होते रहता, मरणोत्तर काल में भी अनुभव होता है वो बोल नहीं पाता, मरण पूर्व काल में भी कई अनुभव है जो आप बोल नहीं पाते, इन अनुभव तो होता ही है। चलो पूछते हैं ना, मरता हुआ आदमी से बगल में खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला करके आ कर देता है, वो बोल नहीं पाता, क्या करें, सुन तो रहा है लेकिन बोलना बंद पहले होता है, सुनना पहले बंद नहीं होता, बोलना बंद पहले होता है, बाद में सुनना बंद होता है, बाद में देखना बंद हो जाता है, एक क्रम है सामान्य रूपेण। सुन रहा है लेकिन बोल नहीं पाता है, बेटा पूछ रहे चाबी कहाँ है त्रिजोरी का, करेगा क्यों बोलना बंद हो गया, किसको कितना कर्जा देना ही नहीं पूछता बेटा, क्यों किसी कितना कर्जा लेना ही पूछता है वो भी नहीं बता पाता बाप, बहुत मुश्किल का है। इसे अनुभव वहां भी अनुभव तो है, उसको सुन तो रहा है, जवाब देना भी चाह रहा है, बोल भी रहा है, लेकिन उसका बोली में शब्द नहीं होता, मैंने अनुभव हो रहा है ना, सुनने का श्रावण अनुभव हो रहा है उसको, तभी तो उसने प्रतिक्रिया व्यक्त करने की कोशिश की है। तो अनुभव मरण पूर्व काल मरण उत्तर काल में सदा है, इसे अनुभव तो अच्छा अनुभव कभी ध्वंस हो नहीं सकता, होगा तो प्रतियोगित्व ना तत्त्व व्यक्ति ही का अनुभव वही ध्वंस हो सकता है। इसे तत्त्व व्यक्तित्व ना प्रतियोगित्वावच्छिन्न जो तत्त्व अनुभव है वही अनुभव ध्वंस के प्रति कारण हो सकता है, अनुभव तो अच्छा अनुभव कभी कारण नहीं होता। न तो अनुभवत्वम अपीति अनुभव ध्वंस अनुभवत्वावचन कारणता निरूपिता कार्यता आश्रयत्व रूपा अनुभवजन्यत्व विरहेणैव अतिव्याप्ति वारण संभवात् किं कृतं स्मृतित्व विशेषणेन इति चेत् न। इसे स्मृति हेतु विशेषण देकर क्या फायदा होगा, अनुभवत्वावचन अनुभव रूही
जन्य का कार्य कार्यता हम भावना में यदि मान लेते हैं, इतने से ही सकल दोष, इसमें भी जो दोष वो भी निवृत्त हो गया, ये भी दोष निवृत्त हो गया। यद्यपि दंडी पुरुष के प्रति भी अनुभव कारण था, धनु के प्रति भी अनुभव कारण है, लेकिन अवच्छेदक भेदात अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया। अतएव स्मृति हेतुत्व में विशेषण की कोई जरूरत नहीं है, यह पूर्वक कहता है सिद्धांत कहते न। ये समस्या होगा स्मृति हेतु, स्मृति के प्रति स्मृति खुद ही हेतु हो जाता है, लेकिन वहां वह अनुभव जन्य तो है ही है, अनुभव तो अच्छन अनुभव जन्य संस्कार जन्य ही तो स्मृति है ना, संस्कार मात्र जन्य ज्ञान स्मृति, संस्कार से कुतः अनुभवात, इसे अनुभव जन्य स्मृति संस्कार द्वारा है ना, है तो वही से वो अनुभव जन्य माना जाएगा उसको। जैसे कितने पीढ़ी पहले, लाखों पीढ़ी पहले वशिष्ठ पैदा हुए थे है ना, आज अपने आप को क्या बोलते हो, मैं वशिष्ठ का पुत्र हूं, वशिष्ठ गोत्रोत्पन्नो अहम, है कि नहीं। विश्वामित्र कब मर गए, वो आप कब पैदा हो रहे हो, विश्वामित्र गोत्रोत्पन्न, मैं विश्वामित्र का बेटा हूं, वो परंपरा से मानते हो, वो कब का गए, वो गोत्र क्या है, उस ऋषि का मैं संतान, उस परंपरा से पैदा हूं, मेरा उस ऋषि से संबंध है, एक तरह से उस ऋषि का मैं पुत्र भावना बनता है। यथा तथा यहां पर भी अनुभव और स्मृति के पीछे संस्कार तो कड़ी है, एक कड़ी व्यवधान कोई महंगा नहीं है, जब लाखों कड़ी व्यवधान आपके लिए महंगा नहीं पड़ रहा। और सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो ब्राह्मणों में विचार होता है ना, आंग्रस गोत्रोत्पन्न ब्राह्मण हो, अपने आप बहुत गौरवान्वित ब्राह्मण, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आंग्रस गोत्रोत्पन्न ब्राह्मण माना जाता है, माध्य संप्रदाय बता रहा, बात में पता नहीं, इसे हम लोगों का सर हमेशा ऊंचा रहता था, कहीं भी जाएंगे तो ज्यादा पूजा होती थी, सबसे पहले इनको बुलाओ भाई, इनको बिठाओ, इनका स्वागत करो, खिलाओ पिलाओ, दक्षिणा दो, इनकी पूजा पहले आंग्रस गोत्रोत्पन्न। उसे भी देखो उस ऋषि संबंध से आज भी हमें विशेष सम्मान मिलता कि नहीं मिलता, और अन्य गोत्र वाले से हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं कि आंग्रस गोत्रोत्पन्न आ रहा है। यहाँ तक हमारे गांव में चले जाएंगे ना, कुंदापुर में पिजाड़ी इस तरफ हम लोग सड़क पे चलते हैं तो शूद्र जो होते हैं वो तो खेती में उतर जाएंगे, सड़क पे पार करने की हिम्मत नहीं, आज भी ये हाल है, शूद्र तो कभी सड़क पर नहीं रह सकता, खेती पे उतर जाएगा, नीचे चला जाएगा, दूर हो जाएगा, जो क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण दूसरे हैं वो सब लाइन खड़े हो जाएंगे साइड में, पार नहीं करेंगे, आप पार हो जाएंगे तब वो चलेंगे, तो वहीं खड़े रहेंगे हाथ जोड़ के, इतना सम्मान है आज भी। सन्यासी होने के बाद जब पहली बार गया था 12 साल बाद गुरु जी का आदेश हुआ, तब भी तब तो और डबल से ट्रिपल सम्मान बढ़ गया ना, अब तो लाल का भी सम्मान है ना, तो मैंने देखा कि गुरु जी ने इसलिए भेजा है, अहंकार की परीक्षा है, कितना सम्मान स्वीकार करके जाएगा, यह विनम्रता पूर्वक रहेगा, बहुत विलक्षणता है आज भी स्थिति। तो इसीलिए अनुभवत्वावच्छिन्न अनुभव जन्य स्मृति है ऐसे मानने में कोई दोष नहीं है, यद्यपि अनुभवत्वावच्छिन्न अनुभव जन्य क्या होता है, संस्कार, संस्कार जन्य है स्मृति, इसलिए कहते हैं स्मृतौ अति व्याप्ति वारणा यैव तद उपादानात्, ये स्मृति हेतु शब्द है ना स्मृति में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए, क्योंकि स्मृति अनुभवत्वावच्छिन्न अनुभव जन्य भले है ना, अनुभवत्वावच्छिन्न अनुभव जन्य संस्कार, संस्कार जन्य स्मृति है, लेकिन स्मृति स्मृति से जन्य नहीं होता, अरे स्मृति अतिव्याप्ति निवारण कर क्या करना पड़ेगा, स्मृति हेतु कह दो, जो स्मृति का कारण है वो भावना है, स्मृति का कारण स्मृति नहीं है, स्मृति में अतिव्याप्ति निवृत्त हो जाएगा, कैसे संत्य को वर्णन करेंगे, तथा ही स्मृति प्रति अनुभव एव कारण न तो स्मृतिरपि, स्मृति के प्रति अनुभव कारण है, स्मृति के प्रति स्मृति कारण नहीं है,
स्मृतिं प्रति अनुभव एव कारणं न तु स्मृतिरपि। अतः घटस्मृतित्तावच्छिन्नं प्रति घटानुभवस्य घटानुभवत्वेनैव कारणत्वं न तु घटज्ञानत्वे। इसलिए घटस्मृतित्तावच्छिन्न के प्रति घटानुभव घट अनुभवत्वेन कारण होगा, घट ज्ञानत्व नहीं, कि घट ज्ञान के अंदर घट स्मृति भी आ जाएगा। घट ज्ञान केवल घट ज्ञानत्वाचन घट ज्ञान कहोगे ना, वो यथार्थ ज्ञान भी हो सकता है, घट ज्ञान अयथार्थ घट ज्ञान भी हो सकता है, स्मृति घट ज्ञान भी हो सकता है। कि ज्ञान कहने से तीन हिस्सा आ जाता है हमारे सामने, यथार्थ अनुभव अयथार्थ अनुभव स्मृति, तीनों को हम ज्ञान सबसे लेते हैं। इसलिए यदि केवल कहोगे ज्ञान घट ज्ञानत्वाचन घट ज्ञान, तो समस्या क्या हो जाएगा, वह घटक ज्ञान कौन सा है, यथार्थ अनुभव है अयथार्थ अनुभव है या स्मृति है, ये क्या पता चलेगा। इसलिए आपको जब कभी भी स्पष्ट कथन करना है तो वो कहना पड़ेगा घट अनुभवत्वावच्छिन्न घटक ज्ञान, घट स्मृतित्वावच्छिन्न घटक ज्ञान, घट भ्रमत्वावच्छिन्न घटक ज्ञान, भेद करना पड़ेगा। अवच्छेद को जब तक नहीं कहोगे केवल घट ज्ञान कहने से वस्तु के भेद ज्ञान सिद्ध नहीं हो सकता। अवच्छेद का कितना महत्व है अब पता चलता है, अवच्छेदकों का महत्व समझ में आता है। वस्तु एक अवच्छेद भेद से अलग वस्तु का कारण था उसके अंदर आ जाता है। इसलिए कहते देखो घटानुभवस्य घटानुभवत्वे नैव घटक का कारणत्वम न तो घट ज्ञानत्वेन, घट ज्ञानत्वेन जो है घट ज्ञान घट स्मृति के प्रति कारण नहीं होता, घट स्मृति के प्रति घटानुभवत्वेन घट ज्ञान कारण होता है। क्योंकि यदि वह घट स्मृति यथार्थ स्मृति है तो घट यथार्थ अनुभवत्वेन कारण कहना पड़ेगा। और आजकल घट स्मृति बोल रहा हूं, अब यथार्थ स्मृति भी हो सकती है, इसे घटानुभवत्वेन बोलूंगा वह यथार्थ अनुभव भी हो सकता है। इसलिए जैसी स्मृति वैसा अनुभव कारण, घट का यथार्थ स्मृति हो रहा है तो घट का यथार्थ अनुभव अवच्छिन्न घट यथार्थ अनुभव ज्ञान ही कारण होगा। घट की यथार्थ स्मृति है तो घट का यथार्थ अनुभव अवच्छिन्न घट यथार्थ अनुभव ज्ञान ही कारण होगा। इसे घट स्मृति जैसी है वैसे कारण भी लेना पड़ेगा, उसका अवच्छेदक भी उसी प्रकार से लेना पड़ेगा। न तो घट ज्ञानत्वेन तथा च घट स्मृति निष्ठ कारणता निरूपिता या घटाभाव घटानुभव निष्ठा कारणता। इसलिए घट स्मृति निष्ठ कारणता निरूपित घटानुभव निष्ठ कारणता तस्याम घटानुभवत्वम अवच्छेदकम, घटानुभव अवच्छेदक केवल अनुभव अवच्छेदक नहीं है, घटानुभवत्म अवच्छेदकम तेन अनुभवत्वावच्छिन्न कारण निर्मित कारकाश्रुत स्मृत विद्यमान। इसलिए अनुभवत्वावच्छिन्न कारण निर्मित कारकाश्रुत स्मृति में भी विद्यमान है। इसलिए जो विशेषण पर दिया ना, इससे स्मृति में अतिव्याप्ति हो रही है। अनुभवत्वावच्छिन्न अनुभवनिष्ठ कारणता निरूपिता कार्यता जैसा भावना में है वैसा स्मृति में भी गई लक्षण, तो अतिव्याप्ति हो गया। निवृत्ति कैसे करूंगा, स्मृति हेतु के शब्द, स्मृति के प्रति स्वयं स्मृति कारण नहीं होता, स्वयं के प्रति स्वयं कोई कारण नहीं, स्वस्य स्वयं जनको भवितुं न अर्हति सिद्धांते, स्वस्य स्वयमेव जनको न भवति। आपका पिता आप ही नहीं होते, आपका माता आप ही नहीं होते, आपका माता पिता कोई दूसरे होते, इसे स्वस्य स्वयमेव जनको न भवति, अपना हम स्वयं ही जन्म का कारण हम है लेकिन जनक नहीं है, दोनों बहुत अंतर है। अपने जन्म के कारण हम खुद हैं, खुद अज्ञानी थे मूर्ख थे, कर्म धर्म पाप को पुण्य पाप कर बैठे हैं जन्म जन्मांतर, तब तो जन्म हुआ है, तो अपने जन्म के विरुद्ध हम कारण जरूर है लेकिन जनक नहीं है, दोनों में बहुत अंतर है। जनक तो पिता होगा, पुत्र स्वयं पिता नहीं होता है ना, किसी पिता से उत्पन्न होता है। इसे स्वस्य स्वयमेव जनको न भवति, इस न्याय के आधार पर स्मृति के प्रति स्वयं स्मृति कारण नहीं है, अतः स्मृति हेतु कहने से स्मृति में अतिव्याप्ति निवृत्त हो जाएगा।
अतिव्याप्ति वारणाय स्मृति उक्तम, नहीं स्मृति ही स्मृति हेतु से आपको स्मृति जो है स्वयं स्मृति के प्रति कारण नहीं है। अतो नात्र अतिव्याप्ति आलम, इसलिए कोई अतिव्याप्ति दोष अब नहीं रह गया। इसलिए प्रत्येक बार लोग सोचते ना इको एंडची एक बार बोल दिया अनुभव हो गया, दूसरे बार जो इको एंडची बोल रहा हूँ स्मृति है, नहीं है। हर बार इको एंडची बोलोगे तो हर बार अनुभव होता है, हर बार अनुभवत्व नहीं कोई एंडची आपकी दृढ़ स्मृति के प्रति कारण होता है। यदि एक बार इको एंडची कह दो बाद में अपने आप इको एंडची होते रहे, स्मृति संस्कार स्मृति संस्कार कारण का अनुभव नहीं होता, बार बार बोलना पड़ता ना इसीलिए फिर भी भूल जाते। इसे अनुभव भी परिपक्व नहीं है, इसे संस्कार परिपक्व नहीं हो रहा है। कभी कभी स्मृति हो जा रही है, कभी नहीं होती है, इसका मतलब क्या है? यदि स्मृति के प्रति स्मृति कारण हो जाता जितनी बार मैं स्मरण करता हूँ आगे और दृढ़ होते जाना चाहिए, नहीं होता। बल्कि कई बार दो चार बार स्मरण करते हुए संस्कार ही खत्म हो जाते हैं, बार बार उसका अनुभव करना पड़ता है, बार बार श्रवण करना, स्वयं को सुनाना पड़ता है। इसे स्मृति के प्रति स्मृति कारण नहीं होता। वस्तु को सुनाने से राग बढ़ता है, जो कोई वस्तु का सुनाने से राग बढ़ता है, राग बढ़ता है वस्तु का स्मरण से, वस्तु का स्मरण नहीं बढ़ा। राग अलग चीज है, स्मृति अलग चीज है। राग और स्मृति कार्य का अनुभव है, जितने बार स्मरण करोगे राग मजबूत होते जाता है। वो कौन मना कर रहा है? हम स्मृति से स्मृति की मजबूती नहीं होती ये कह रहे हैं, अलग अलग कार्यकारण भाव में मना थोड़ी कर रहा है। बार बार किसी विषय का स्मरण करो उस विषय दृढ़ होता है, स्मृति दृढ़ नहीं होती है, उस विषय का संस्कार दृढ़ होते जाता है कि स्मृति के साथ उस विषय का अनुभव भी होता है, मानस अनुभव करते हो बार 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 बार, वह मानस अनुभव भी संस्कार की दृढ़ता का कारण बन जाता है। पल्लव तल्लज कल्पना अलकल्पान अल्प जल्पे न अलम, कहते फालतू की इतनी लंबा चौड़ा दो विशेषण है उसकी जो अतिव्याप्ति उनका निवारण करने के लिए इतना विस्तार से जो समझाया है उसी तरह से है जैसा कोई कवि चैत्र मास में वसंत ऋतु में निष्पन्न में नए कोमल पत्तों का वर्णन करने बहुत मोटा पुस्तक लिख दे वे, जैसा व्यर्थ प्रलाप होता है तद्वत इतना विस्तार जो मैंने कथन किया है ये फालतू ही है। सीधी सारी बात थी, पदकृतिकार ने कह दिया था है? दोनों विशेषणों का अतिव्याप्ति कैसे निवृत्त हो रहा है, इतना विस्तृत चर्चा जब किया गया उसी प्रकार है जैसा पल्लव तल्लज कल्प, पल्लव तल्लज कल्प, पल्लव मने पत्ता, उसका तल्लज मने नूतन नया पत्ता की श्रेष्ठता, पल्ला हो गया नया पत्ता, तल्ला जो मैंने उसकी श्रेष्ठता का वर्णन के सदृश अनल्प जल्पेन, ये जो बहुत कथन जो हो गया है वो इतना ही बहुत है, अस्तु अलम पर्याप्तम भवति। अच्छा अब आइए स्थिति स्थापक का लक्षण मूल में, अन्यथा कृतस्य पुनस्तदवस्था आपादक स्थिति स्थापक संस्कार विशेष कटादि पृथ्वी वृत्ति ही कर दिया, अन्यथा कृतस्य पुनः तदवस्था आपादक संस्कार, अन्यथा कृत है कोई भी चीज है, मान लो आप कैलेंडर देखा है रोल करके रख देते हैं गोल करके, चटाई है गोल करके रख देते हैं, कोई भी चीज है इधर से आप बना के जो रख दो एक तरह से तय करके रख दीजिए, सो खोल देंगे तो क्या होता है फिर वो भागता है वापस, वो जो पहले बार तो सीधा ही था लेकिन गोल करके रखे हुए अवस्था में उसकी ऐसी एक संस्कार विशेष बन गया, जब जब आप उसके अन्यथाकरण करेंगे वह पुनः तद अवस्था को प्राप्त करने का जो प्रयास करने के प्रति जो कारणभूता वस्तु उसके अंदर है उस संस्कार विशेष का नाम स्थिति स्थापक। अतः कहाँ ये कटादि पृथ्वी वृत्ति, कट मने चटाई आदि पृथ्वी मात्र में वृत्ति है, ये जल तेज वायु आकाश काल इत्यादि में नहीं होता, केवल पार्थिव कार्यों में यह मिलेगा।
पार्थिव कार्य, पृथ्वी के कार्य, पृथ्वी मात्र वृत्ति है। अच्छा, इस पर न्यायबोधनिकार ने कुछ नहीं कहा, इति गुणाहा। अब गुण का लक्षण कर रहे पदकृति में देखिए, गुण का लक्षण, द्रव्य कर भिन्नत्व सति सामान्यवान गुणः, द्रव्य और कर्म से भिन्न होता हुआ सामान्य माने जाति वाला, गुणत्व जाति वाला वस्तु का नाम गुण है, या सत्ता जाति वाला वस्तु का नाम, पदार्थ का नाम गुण है। पूरे 24 गुण पढ़ लिए, पढ़ने के बाद गुण का लक्षण बता रहे कि सामान्य कण से अलंग्यम सत्ता को पर सामान्य, और सत्ता कहां कहां रहती है, द्रव्य गुण कर्म तीनों में है ना, इसे कहते द्रव्य कर्म भिन्नत्व। सत्ता वाला कहने से द्रव्य भी है, गुण भी है, कर्म भी है, कहते हैं द्रव्य और कर्म अतिव्याप्ति हो रहा था गुण का लक्षण, सत्तावत्तम गुण से लक्षणम, इतना ही नहीं कहेंगे द्रव्य और कर्म में भी अतिव्याप्ति हो जाएगा, उसे निवारण करने का कह दिया द्रव्य कर्म भिन्नत्व सति सत्तावत्तम गुण सामान्य लक्षण। इस प्रकार से 24 गुणों का विचार पूर्ण हो गया, नव द्रव्य 24 गुण पूरा हो गया, और अब तीसरा पदार्थ अथ कर्मादि लक्षण प्रकरण, अब कर्म आदियों के लक्षण का प्रकरण आरंभ होता है। कर्मण किम लक्षणम, कहते हैं चलनात्मकं कर्म, चलनात्मक चल एजन कंपन के स्वभाव, कंपन के बिना कोई चलनात्मक क्रिया हो ही नहीं सकती, कंपन के बिना नहीं, कंप ही स्पंद ही सर्वप्रथम क्रिया का अति सूक्ष्म स्वरूप होता है स्पंद, उसी को कहते हैं यहां चलनम, ये जिकंपन है कंपनम। योग वासिष्ठ आपने सुना होगा तो बार बार ये करते हैं, कभी स्पंद हो गया था उस ब्रह्म में अचानक स्पंद, और स्पंद के कारण से सारी सृष्टि हो गई। और शैव दर्शन में स्पंद की तो बहुत ही महत्व है, आचार्य अभिनव गुप्त स्पंद कारिका लिखा है, अद्भुत ग्रंथ है, संसार का रहस्य माया का स्वरूप को समझना है तो स्पंद कारिका अद्वितीय ग्रंथ है, अभिनव गुप्ताचार्य कृत ग्रंथ। ऐसे कुछ ग्रंथ है जो भले वेदांत दर्शन साक्षात संबंध नहीं है, इन वेदांत के अनुकूल तत्वों को सुस्पष्ट कर देता है एकदम साफ, जो वेदांत की प्रकरण ग्रंथों में नहीं है इतना साफ वहां मिल जाएंगे। उन्होंने मेहनत किया कि शिव शक्ति के बिना शक्त होकर के सृष्टि को निर्माण नहीं कर सकते, और आचार्य शंकर भी अपने सौंदर्य लील का पहला श्लोक में कहते हैं शिव शक्त्यायुक्त, तो कह रहे हैं मतलब बहुत शंकराचार्य जी उस बात को मान रहे हैं अपने सौंदर्य लहरी में, शक्ति के बिना शिव शक्त होकर के कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सकता। तो चलनात्मकम कर्म स्पंद चलनम क्रिया, उसका लक्षण वास्तव में पदकृति में देखिए, संयोग भिन्नत्व सति संयोग असमवाय कारणं कर्म, संयोग अभिन्नत्व छपा है गलत है, संयोग भिन्नत्व सति बना लेना उसको, यदि अभिन्नत्व है तो काट दो, संयोग भिन्नत्व सति संयोग असमवाय कारणं कर्म, संयोग का असमवाय कारण कर्म, कि कोई भी संयोग होता है दो वस्तु दूर में बैठा हुआ है इनका संयोग करना है तो उसका पीछा समय कारण कौन है कर्म, समवाय कारण तो हमेशा द्रव्य होता है, असमय कारण इस द्रव्य में होने वाली क्रिया, जो कर्म इसमें ना हो यहां जाकर उससे जुड़ेगा नहीं, संयोग होगा नहीं, इसलिए दो द्रव्यों का बीच में होने वाला संयोग रूपी गुण का असमय कारण कौन है कर्म है। लेकिन पहले आपने पढ़ा संयोग संयोग भी होता है ना, हस्त तरु संयोग हुआ तो शरीर तरु संयोग से हस्त तरु संयोग भी माना गया, या हस्त तरु संयोग से
शरीर दोनों संयोग हो गया। अपने हाथ से पेड़ को छू दिया तो शरीर का ही पेड़ से संबंध हो गया। यह अनुभव नहीं है तो अनुभव करा देंगे। हमारे बहुत जगह बिजली के तार खुले पड़े हैं जगह जगह पे, आपका अंगुली से छुआ देंगे तो पता चलेगा शरीर भी छू दिया कि नहीं छू दिया। पूरा शरीर कम जाता है कि नहीं, चिल्लाता है बच के भागता। तो हस्त तरु संयोग से शरीर तरु संयोग भी होता है। वहां पर शरीर तरु संयोग के प्रति हस्त तरु संयोग क्या है? असमय कारण। अतः संयोग के प्रति संयोग असमय कारण हुआ कि नहीं हुआ? इस संयोग असमय कारण में इतना लक्षण करूंगा, ऐसे संयोगों में अतिव्याप्ति हो जाएगा। वह ना हो इसे क्या करना पड़ेगा? संयोग भिन्नत्व स्थिति ये विशेषण देना। तो संयोग भिन्नत्व स्थिति संयोग असमय कारणम ये क्या है? कर्म का लक्षण, कर्मण लक्षण। आप कर्म पांच प्रकार के हैं, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन। उन्हीं पांचों के एक अलग बता रहे। देखिए ऊर्ध्व देश संयोग हेतु उत्क्षेपण, वस्तु नीचे है उसकी ऊर्ध्व देशों के साथ संयोग होने के प्रति जो कारण होता कर्म है उसका नाम उत्क्षेपण, ऊपर की ओर फेंकना। किसी वस्तु ऊपर की ओर फेंकोगे तो उस वस्तु को ऊपर के देशों के साथ संयोग होते जाता है। इसके कारणीभूत जो कर्म आपके हाथ से हुआ उसका नाम उत्क्षेपण। अधो देश संयोग हेतु अपक्षेपण, और ऊपर से नीचे की ओर फेंका, नीचे नीचे अलग अलग देशों में अधो देशों के साथ संयोग होते हुए जमीन तक चला जाता है वस्तु, कहीं ना कहीं रुकता है जाकर के। वह नीचे के देशों के साथ संयोग की प्रति कारणीभूता जो कर्म आपने किया है उस कर्म का नाम अपक्षेपण। शरीर से सन्निकृष्ट संयोग हेतु आकुंचन, शरीर का सन्निकृष्ट संयोग अपने हाथ है सामने उसको अपने ओर लाए, ये सन्निकृष्ट संयोग का प्रति कारण हो गया, उसका नाम क्या है? आकुंचन। और नजदीक में रहने हाथ को हमने फैला रहे हैं उसका नाम प्रसारण। प्रकृष्ट संयोग है तो प्रसारण। इसी प्रकार से धान्य राशि है यूं बटोर दिया, उसको बटोर कर दिया तो क्या हुआ? सन्निकृष्ट संयोग कर रहे हो, बटोरने का नाम आकुंचन, फैला दो उसको उसका नाम प्रसारण। अन्यत सर्वम गमनम, फिर कूद ना भाग ना ये सब दुनिया भर के अन्य जो होते हैं ये सब क्या है? गमन कोटि में ले लेना। यदि भी सब कुछ गमन ही है, ऊपर की ओर जाना भी गमन है, नीचे की ओर जाना भी गमन है, फैलना भी गमन है, आकुंचन होना भी संकोचन भी गमन ही है। लेकिन शिष्य बुद्धि वैशद्यार्थम विषय विभाग पूर्वक समझा दिया। और अन्य सर्वम गमन में अन्य सर्वम कानी चतानी, वे कौन कौन है? कहते पाणिनि धातु पाठ पढ़ लेना। धातु पाठ पढ़े हो? नहीं पढ़े, धातु पाठ देखा भी नहीं होगा कईयों ने, तो जिन्होंने देखा है तो ठीक है, देखा नहीं अभी तक ना, कई लोगों ने देखा नहीं है। धातु पाठ, परिभाषा पाठ, गण पाठ, ये सब पुस्तक अलग अलग होते हैं, छोटे छोटे पुस्तक मिलते हैं, उनको देखना चाहिए। सारे धातुओं का वर्णन मिलता है उसमें, 2228 धातु में से लगभग 2000 धातु पाणिनि कृत धातु पाठ में विद्यमान है, शेष सूत्रों में छिपा हुआ है। सौत्र धातु हम लोग कहा करते हैं उसको, सौत्र धातु सूत्रों में विद्यमान है, धातु पाठ में विद्यमान नहीं है। तो अष्टाध्यायी सूत्र पाठ है कि नहीं? परिभाषा पाठ 138 परिभाषाओं से युक्त है। लिंगानुशासन भी कुछ लोग पाठ मानते हैं, 64 श्लोकों वाला लिंगानुशासन है। और आपके गणपाठ 191 गणों से युक्त गणपाठ है, 191 गण होते हैं टोटल, उनके गणपाठ नामक ग्रंथ भी मिलता है। ये सब अलग अलग ग्रंथ हैं, सब पाणिनि कृत लगभग हैं। और उणादि पाठ भी अलग, उणादि सूत्र शाकटायन कृत होता है, पंचपादी भी उणादि है, दशपादी उणादि पाठ भी है, उणादि सूत्रों का अलग ये पुस्तक मिलता है। और सिद्धांत कौमुदी में, सिद्धांत कौमुदी के चतुर्थ खंड में उणादि पंचपाद आपको रखा हुआ है, लोग पढ़ते हैं उसको वहां। तो इस तरह सभी चीजें हैं। तो वहां अन्य सर्वम गमनम को विस्तार रूपेण आप
पाणिनी धातु पाठ में सकल धातुओं के साथ उस धातु का अर्थ निर्देश के माध्यम से सकल प्रकार के क्रियाओं का वर्णन कर दिए हैं। वो सारी क्रियाओं को आप गमन कोटि में ही लेना है। इस पर न्याय बोधनी कार्य इतना ही कहते हैं, कुछ कहे ही नहीं। सामान्य से किम लक्षणम, सामान्य पर न्याय बोधनी कार्य कहेंगे सामान्य से किम लक्षणम। नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्य, नित्य है, एक है और अनेकों में अनुस्यूत जो है उसी का नाम सामान्य। अनेकों घड़ाओं में घटत्व नाम का चीज अनुस्यूत होकर के अनुभव में आ रहा है। सकल घटों में घटत्व समवाय संबंधेन अनुस्यूत होकर अनुभव में आ रहा है। सकल मनुष्यों में मनुष्यत्व नाम का चीज समवाय संबंधेन अनुस्यूत होकर के अनुभव में आता है। द्रव्य गुण कर्म रूपी तीन पदार्थों में सत्ता नाम के एक विशेष धर्म समवाय संबंधेन अनुस्यूत होकर के अनुभव में आता है। सकल शब्द पदार्थों में पदार्थत्व नाम का वस्तु पदार्थत्व ज्ञेयत्व अभिधेयत्व वाच्यत्व प्रमेयत्व इत्यादि धर्म भी हमें क्या हो रहा है समवाय संबंध अनुस्यूत होकर अनुभव में आ रहे हैं। ये सारी चीजें क्या हो जाती है, इनका नाम सामान्य है। वह नित्य है और एक होता है, घटो अनंत घट में भी एक ही घटत होगा, अनेक घटत्व नहीं होते। औपाधिक भेद से घटत्व को अलग कर सकते हैं, सात घटत्व बना सकते हो आप। नील घटत्वम, पित्त घटत्वम, रक्त घटत्वम, हरित घटत्वम, इस प्रकार सात रूप है। दो गंध है कि नहीं, दो गंध है ना, इसलिए कर सकते। सुरभि घटत्वम, असुरभि घटत्वम, षटरस है, षटरस को लेकर के भी षट प्रकार का घटा बोल सकते हो। यानी इस तरह का जो घटत्व का भेद आप कर रहे हैं वह घटत्व का औपाधिक भेद है, घटत्व का स्वतः का भेद नहीं है। अतएव घटत्वम एकमेव नित्यम च तत्, नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्य। कहा रहता ये द्रव्य गुण कर्म वृत्ति, द्रव्य गुण और कर्म में समवाय संबंध रहता है और बाकी जो पदार्थत्वादी जो रहते हैं वो तादात्म्य संबंध पदार्थों में रहेगा या स्वरूप संबंध से रहेंगे, लेकिन समवाय संबंध से नहीं रहेंगे। ज्ञेयत्व रहेगा घट, घट में भी ज्ञेयत्व, ज्ञान में भी ज्ञान है, ज्ञान में ज्ञान है ना, व्यवसाय ज्ञान अनुव्यवसाय ज्ञान का ज्ञान ही होता है न्याय दर्शन में। एक ज्ञान को दूसरे ज्ञान से हम जान पाते, ज्ञान का तो प्रत्यक्ष मानते ना वेदांत का, वेदांत परिभाषा में विचार किया एक घट प्रत्यक्ष है, एक घट ज्ञान का तो प्रत्यक्ष ही होता है। एक पहला घट का प्रत्यक्ष होगा, बाद में घट ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है। ये प्रक्रिया मानते पहले घट ज्ञान हुआ, फिर घट ज्ञानवान हम ऐसा अनुभव हुआ, तार्स घट ज्ञान वाला मैं हूं, यह घट ज्ञान कभी प्रत्यक्ष हो जाए, ऐसे प्रक्रिया कुछ प्रकरण ग्रंथों में माना गया है। परम सत्ता अपरम च द्रव्यत्वादि, वह दो प्रकार का है, एक पर सामान्य है एक अपर सामान्य है। कुछ लोग तीन कह दिया, एक पर सामान्य तो केवल पर ही रहेगा, वो कभी अपर नहीं होएगा, और अपर सामान्य केवल अपर ही होगा, और बीच कुछ जो होते हैं वो पर अपर सामान्य, पर भी है और अपर भी है। जैसे द्रव्यत्व ये परापर सामान्य, सत्ता की दृष्टि से वो अपर है, घटत्व की दृष्टि से पृथ्वी की दृष्टि से वो पर है। पृथ्वी कैसा है, परापर सामान्य, घटत दृष्टि से वो पर है, द्रव्यत्व दृष्टि से अपर है। द्रव्यत्व नौ में रहता है, पृथ्वी तो केवल पृथ्वी में, अपर हुआ कि नहीं हुआ, और पृथ्वी घटपट सभी में रहता है, इन घटत्व केवल घट में है। अतः पृथ्वीत्व घट घटत्व दृष्टिया पर सामान्य हो जाएगा, द्रव्यत्व दृष्टिया अपर सामान्य हो गया, इसलिए पृथ्वी में परापर सामान्य भी कुछ लोग मानते हैं। इनका कहना है कि नहीं नहीं सब अपर नहीं गिनो, एक ही पर है सत्ता, बाकी सब अपर है, परापर नाम के अलग विभाग बनाना नहीं है। अपरम द्रव्यत्वादी, इस पर न्याय बोधनिकार कहते हैं सामान्यम निरूपयते नित्यम एकमिति। नित्य तो सदी अनेक संवेय तत्व सामान्य लक्षण, नित्य होता हुआ अनेकों में समवाय समस्त रहने वाला वस्तु का नाम सामान्य है।
नित्यत्व विशेषण अनुपादाने अनेक समय तत्व से संयोगादो सत्वात् तत्राति व्याप्ति तद्वारणाय नित्यत्व विशेषण। कहते कि देखिए नित्यत्व में विशेषण निकाल दो, लक्षण कितना बचेगा? अनेक समवेय तत्व, इतना लक्षण रहेगा है नहीं? अनेक समवेय तत्व, ये जो संयोग रह रहा है कहाँ है संयोग? दो में रह रहा है हमेशा। संयोग क्या होता है? दो में, विभाग दो में, परतपरत्व दो में। इनको क्या कहते हैं? इसलिए हम अव्याप्य वृत्ति गुण आता ना पहले, अव्याप्य वृत्ति गुण और व्याप्य वृत्ति गुण। अव्याप्य वृत्ति गुण हमेशा अनेकों में समय समय से रहता है। अनेक का मतलब यहाँ एक से ज्यादा, यानी कि बहुत, ऐसा अर्थ नहीं है। दो का नाम भी अनेक है, न एक का ही थी अनेक। इसे दो के पीछे रहने वाले संयोग को भी हम क्या कहेंगे? अनेक में समय समय से रहने वाला। इसलिए अनेक में समय समय से रहने वाला वस्तु कौन हो गया? संयोग। लक्षण किसका कर रहे थे? सामान्य का, चला गया संयोग में। इसे क्या कहना पड़ेगा? नित्यत्व। और संयोग आदि क्या है? ये अव्यापी प्रतिगुण अनित्य होते हैं, ये नित्य नहीं है। इसलिए अतिव्याप्ति निवृत्त हो गया। नित्यत्व विशेषण पादाने अनेक समय तत्व संयोग आदि सत्ता, संयोग विभाग आदि अव्यापी प्रति गुणों में विद्यमान होने से तत्र अतिव्याप्ति ही वहां अतिव्याप्ति हो जाएगी। तदवारणाय, उसमें अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए नित्यत्व विशेषण। चलो फिर नित्यत्व इतना लक्षण कर दो, नित्यम तत्सामान्य, जो नित्य है उसी का नाम सामान्य कह दो, नित्य परमाणुवाद भी है। कहते अनेक समय तो अनुपादाने नित्यत्व मात्र उपादाने आकाशादवद व्याप्ति ही, आकाशादि सकल नित्य पदार्थों में व्याप्ति हो जाएगा। तदवारणाय अनेक समय तत्व इति, कहते इतना ही करो फिर समय तत्व अनेकत्व को निकाल दो। नित्यत्व सति समवेय तत्व ऐसा है, कह दो। क्या कहूंगा? नित्यत्व सति समवेय तत्व ऐसा लक्षण कर दीजिए। अनेकत्व अनुपादाने, कहीं कहीं पर अनेक संवेतत्व अनुपादाने पाठ है तो संवेतत्व को काट देना, अनेकत्व अनुपादाने ऐसे पाठ बना लेना, अनेकत्व अनुपादाने ऐसे पाठ करो। अनेक संवेतत्व अनुपादाने यदि पाठ है तो और संवेत शब्द को काट देना, अनेकत्व अनुपादाने बना लेना, अनेकत्वानुपादाने। तीसरी पंक्ति न्याय बोधनी पृष्ठ संख्या 105 अंतिम शब्द में अनेक संवेत तत्वानुपादाने ऐसा पाठ है, वह समवेत शब्द को काट देना, अनेकत्व अनुपादाने। तब लक्षण कितना बचेगा? नित्यत्वे सति समवेतत्वम, इतना ही बचा। अनेक शब्द को आपने निकाल दिया, तब नित्यत्व से संवेतत्व मात्रोक्त, देखो आगे ना, अनेकत्व नहीं कहोगे तो लक्षण कितना बचेगा? नित्यत्व विशिष्ट संवेतत्व, इतने ही मात्र को आप लक्षण कह दोगे तो आकाशगत एकत्व परिमाणादौ जल परमाणुगत रूपादौ चतिव्याप्ति स्यात्। तब क्या हुआ? कहते आकाशगत जो एकत्व है वो क्या है? नित्य होता हुआ समय समय से रहता है आकाश में, कि एक का विशेषण विशेषता क्या है? नित्यगतम नित्यम, अनित्य गतम अनित्यम, कहा था ना द्वियादि परार्थ परिंतास्तु अनित्यमेव, द्वियादि क्या हमेशा अनित्य होते हैं, एक में क्या होता है? नित्य गतम नित्यम, अनित्य गतम अनित्यम। इसलिए आकाश में जो एकत्व है वो क्या है? वो नित्य, और वह एकत्व आकाश में समवाय समय से रहता है। इसे नित्यत्व सत्य समय तत्व लक्षण चला गया आकाशगत एकत्व में। आकाश में एकत्व कैसा है? नित्य भी है और वह आकाश में समवाय संबंध से रहता है, क्योंकि सगुण है। एक क्या है? संख्या, संख्या है गुण, गुण होने से वो गुणी रूप आकाश में समवाय संबंध से रहेगा, ठीक है ना। इसे नित्यत्व समवाय तत्व जो लक्षण चला गया आकाश का एकत्व में और आकाश का परिमाण में भी, वो परिमाण भी आकाश में जो रहता है कैसे रहता है? महत परम महत परिमाण, और परमत परिमाण क्या है? नित्य, संकोच विकासशाली नहीं है, अनित्य परिमाण नहीं है ना आकाश में। आकाश का परिमाण नित्य है और आकाश का परिमाण आकाश में किस समझ रहेगा? समवाय संबंध से। इसे नित्य समय तत्व आकाश का परम महत परिमाण में अतिव्याप्ति हो गया। इतना ही नहीं, जल परमाणु रूपादो,
रूपादियों को आपने क्या कहा था? अन्यत्र नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम। पाकज में, पाकज का जब विचार हुआ था रूपादि चतुष्टय, क्या कहा था वहां पर? पृथ्वी में रहने वाले रूपादि चतुष्टय परमाणु में भी अनित्य है, लेकिन जलादि में नित्य परमाणु में। अर्थात क्या है? जलीय रूप जल में नित्य रहता है। कौन सा जल? परमाणु जल। जलीय परमाणु में रहने वाला जो परमाणुगत रूप वो क्या है? वो नित्य है। और वह रूप रहता है परमाणु में समवाय समवाय। तो नित्यत्व स्थिति संवेदोत्तम जल परमाणुगत रूप में गया कि नहीं गया? लक्षण जल परमाणु का स्पर्श में, जल परमाणु का गंध में, सभी में चला गया। उसमें रहने वाला सकल गुण नित्य, वहां नित्यगतम नित्यम, वहां पाकज नहीं है। वो दुणुकादि में ही जल में क्या होता है? पाकज होता है, अनित्य हो जाता। लेकिन जलीय परमाणु, तेजस परमाणु और वायवीय परमाणु और रूप रसगंध स्पर्श जो भी हैं, वे क्या होते हैं? वो नित्य होते हैं और समय समय से रहते हैं। अरे नित्य समय तत्व जल परमाणु आदि विद्यमान रूप आदि में लक्षण चला गया, अतिव्याप्त है। जल परमाणुगत रूपादे आकाशगत एकत्व परमाणु नित्यत्व संवेदत्व स्वयं बता दिया कि जल परमाणुगत रूपादि कैसे हैं और आकाशगत एकत्व कैसा है और परमाणु आदि नित्य होते हुए समय समय रहने वाले वस्तु हैं। अतः अनेक संवेद विशेषणम, इसे अनेक ऐसे संवेद विशेषण देना पड़ेगा। नित्य होता हुआ अनेकों में समय समय रहने वाला होना चाहिए और आकाश मेरा एकत्व आकाश में रह रहा है वो अनेकों में नहीं रह रहा, क्योंकि खुद आकाश क्या है? एक ही, अनेक है ही। परिमाण भी एक आकाश में रह रहा है, अनेक आकाश तो है नहीं, इसे अनेक समय तत्व उसमें नहीं रहेगा। और परमाणु में रूप भी परमाणु में ही रह रहा है, केवल अनेकों में तो नहीं रह रहा है ना। तत्त परमाणु का रूप तत्त परमाणु में ही रहेगा, इस परमाणु का रूप उस परमाणु में थोड़ी चला जाएगा। एक परमाणु में रहने वाला रूप अन्य परमाणु में भी रहेगा क्या? दो परमाणु में तीन परमाणु तो रहेगा नहीं, इसे अनेक समय तो नहीं रहेगा। जिस परमाणु का जो रूप है वो उसी परमाणु में रहता है, दूसरों में नहीं रहता। अतएव परमाणु का रूप परमाणु में रहने से वो एक संवेद है, अनेक संवेद नहीं है। इसे अनेकत्व विशेषण देने से अतिव्याप्ति निवृत्त हो जाता है। नीचे टिप्पण कार कुछ कहने जा रहे, देखिए ननु एतल लक्षण नित्य संयोग अतिव्याप्तम, यानी फिर भी नित्य संयोगों में अतिव्याप्ति हो जाए। जो लोग मानते हैं नित्य द्रव्यों का परस्पर जो संयोग है वह भी नित्य है, जैसे यहां पर अब आकाश भी है, काल भी है, दिग भी है, आत्मा भी है, सब विभू पदार्थ है ना, और विभू है सारे। तो विभू होने से यहाँ आकाश भी होगा, काल भी होगा, दिग भी होगा, आत्मा भी होगा, यहाँ पे सभी है। यहाँ पे वो सब आपस में बिना टकराए बिना लड़ाई झगड़ा किए रहते साथ में है कि नहीं, और सब विभू है। निरवय होने के नाते सब एक साथ रह पाते हैं, सावय होते तो कैसे बैठते हैं? जैसे आप लोग सावय है, विभू थोड़ी हो सकते हैं। जो सावय होगा विभू नहीं हो सकता, यत्किंचित देशावच्छिन्न होगा। आकाश काल दिग आत्मा निरवय होने के नाते विभू होकर सर्वत्र व्यापक पर फैल करके रह पाते हैं, लेकिन इनका संयोग भी मानना पड़े क्योंकि उसको आपने द्रव्य कह दिया है और द्रव्यों का आपस में संयोग होता है, और नित्यों का संयोग को भी नित्य ही मानना पड़ेगा। और संयोग हमेशा अनेकों में रहता है, तो नित्यत्व सती अनेक संवेतम आकाश और काल, आकाश और दिग, आकाश और आत्मा, काल और दिग, काल और आत्मा इत्यादियों का जो संयोग है, इन संयोगों में लक्षण अतिव्याप्ति हो जाएगा। यदि चेत न नित्य संयोग अनंगीकारा, कहते ऐसा नित्यों का संयोग को मान ही नहीं सकते। कहते क्यों नहीं मानोगे? सिद्धांत के मानना पड़ेगा, द्रव्य द्रव्य और संयोग मानना पड़ेगा ना। कहते कि मानूंगा तब जब उससे कोई कार्य भी दिखाई देता है, है? मानूंगा वह चीज ना जिससे कुछ होता हो, जिससे कुछ भी नहीं होता उसको मानने का क्या मतलब है? मानने की जरूरत नहीं ना। हम संसार के सकल वस्तुओं को 7 पदार्थों में या 16 पदार्थों में बांट के चिंतन जो कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? मोक्ष पाने के लिए। मोक्ष पाने के लिए वांछित जो तत्व ज्ञान है
उस तत्व ज्ञान के लिए आवश्यक जितने पदार्थ उतने ही तो हम चिंतन करेंगे ना। अब नित्य संयोग को मानेंगे, आप मान लीजिए उस नित्य संयोग को मानने पर आपका तत्व चिंतन में क्या सहयोग मिलता है बताओ। 21 प्रकार का दुख ध्वंस के प्रति वह नित्य संयोग क्या हमें किसी प्रकार का उपयोगी है तो हम मानेंगे। नित्य संयोग मान लो तो वो ध्वंस करेगा ही नहीं ना, तो दुख ध्वंस के प्रति उपयोगी नहीं रहा, वो सुख मानने की जरूरत है फिर। इसलिए सिद्धांत द्रव्य द्रव्य और संयोग इतने सिद्धांत हम जो मान रहे हैं वो तत्व ज्ञान उपयोगी मात्र में स्वीकार करना है। जो भी हम नियमावली बनाते हैं किसी भी दर्शन का भी हो, वह नियमावली केवल स्वदर्शन निरूपित तत्व ज्ञान मात्र के लिए होता है, न कि अनावश्यक सर्वत्र लागू कर दो। जैसे बहुत सारी परिभाषाएं व्याकरण में हम लोग लागू कर देते, कभी कहीं भी लागू कर देते हो, एक दिशा कृत ने मतलब लगा दो। तो परिभाषाएं किस संदर्भ में बना है, किस परिस्थिति में बना है, उसी के सदृश कहीं लक्ष्य मिलता हो वहीं पर वो लगेगा, यानी कि कहीं भी लगाते जाओ उसको। तो व्याकरण की परिभाषाएं मीमांसा का न्याय व्याकरण में लागू हो सकता है, लेकिन सादृश्यता मिलनी चाहिए वहां पर, उस न्याय का जो आधार है वो आधार यहां भी मिलना चाहिए। एक दर्शन का दूसरे दर्शन में कुछ न्यायों को हम लोग ले जाते हैं, युक्तियों को ले जाते हैं, तर्कों को ले जाते हैं, परिभाषाओं को ले जाते हैं, तो वहां पर हमें आधार समान होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि हर दर्शन अपनी एक प्रक्रिया को अपना करके तत्व ज्ञान प्रदान करने के प्रयास कर रहा है, उस प्रक्रिया के लिए जो आवश्यक पदार्थ है उन्हीं को स्वीकार करता है, और उसे स्वीकार करने के लिए जितनी न्याय नियम लागू करनी है वो लागू करता है। अतः उसे न्याय देखने में बहुत व्यापक लग रहा है, लेकिन उसको हमें सर्वत्र नहीं लगा सकते। हर न्याय का अपना क्षेत्र निश्चित है, और एक न्याय को दूसरा न्याय काट भी देते हैं, कब कहां कैसे ये समझने की बात होती है। इसी के लिए तो ग्रंथ की व्याख्या लेनी, तो परिभाषेंदु शेखर की जरूरत क्या थी, परिभाषाओं पर व्याख्या लिख दिया उन्होंने और दिखाया कौन सी परिभाषा शास्त्र सिद्ध है, कौन सी परिभाषा ज्ञापक सिद्ध है, कौन सी परिभाषा लोक सिद्ध है, जिसको न्याय सिद्ध भी हम लोग कहते हैं। न्याय सिद्ध, ज्ञापक सिद्ध, शास्त्र सिद्ध, तीन प्रकार की परिभाषाएं होती है। और कौन सी परिभाषा किस सूत्र में कैसे उत्पन्न हुआ और उसको कैसे लगाया जाएगा, ये सिखाने के लिए परिभाषा निषेध किया, समझाते कहां कैसे होता है। नहीं तो किसी को कहीं भी लगा दें तो एक भी लक्ष्य सिद्ध नहीं होगा, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्।